ऐसा है कि इस देश में सीपीआईएमएल को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, और या तो कोरोना नहीं समझ पा रहे आपकी पार्टी के नेता, या फिर ये नहीं समझ पा रहे कि वो चुनाव लड़ने के सीपीआईएमएल हकदार है। वरना सीपीआईएमएल को कोरोना कह देना, कोरोना से भी बड़ा खतरा कह देना, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए, सीपीआईएमएल को बिल्कुल अधिकार है, आपने बहुत सही बात कही है, भारत में सभी को लड़ने का अधिकार है। जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ लेते हैं, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, सीपीआईएमएल लड़ती है, पर दुनिया में आप कोई देश नहीं बता पाएंगे, कम्युनिस्ट देश, जहां चुनाव लड़ने का अधिकार हो। खैर, उसको छोड़िए, सीपीआईएमएल का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी हिंदी में कहेंगे कम्युनिस्ट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो आप ये कहते हैं, ये बताइए, जो उस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता मिलती है, जिनका यह विश्वास है सिद्धांतता कि हिंसात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा ही सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है, और यह सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि सिद्धांत की बात थी, भारत की राजनीति में जहां तहां यह देखा गया, जिन जिन राज्यों में इनका वर्चस्व हुआ वहां बाकायदा राजनीतिक हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। इसलिए हमने ये कहा कि ये भारत की राजनीति में एक समस्या की तरह है। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, जिनके साथ है लालू प्रसाद यादव जी, अंजना जी याद करिए, चुनाव का समय आता था तो लालू यादव जी क्या कहते थे, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, यानी अपना मतदान मत करो, जाट पर वोट दो। अब ये दोनों विचार, एक बंदूक की गोली से सत्ता और एक जात के नाम पर वोट करो, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति बता दे ये भारत की राजनीति में एक असाध्य रोग की तरह नहीं है तो क्या है? जिस सारा में मैं इस वक्त शो कर रही हूं सुधांशु जी, 7 विधानसभा क्षेत्र है यहां पर, और इसमें भी महागठबंधन की तरफ से 3 से 4 उम्मीदवार सीपीआईएमएल के ही हो रहे हैं। अभय जी, आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो ये मानती है कि गोली के दम पर सत्ता हासिल की जाती है। अंजना जी, मैं विनम्रता करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि वो अपने स्मृति पत्र करें और बताएं कि क्या कभी आपने इन दलों से गठबंधन नहीं किया? सुधांशु, तब बंदूक से चुनाव नहीं जीतते थे, जब गोलियों के बल पर चुनाव नहीं लड़ते थे? याद कीजिए 1989 का वो समय जब कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक सीट जीत कर आई थी, और सत्ता की भूख में आप लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ सरकार बनाई थी, जब सारे ये लेफ्ट के दल साथ थे, तब वो इन घटनाओं में शामिल नहीं थे, आपको ऐसा लगता है? आज बिहार के सामाजिक और आर्थिक टुकड़े टुकड़े आपने कर दिए। कल ही मोदी सरकार की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा किया है, जिसने बताया कि बिहार में 4,21,00,000 लोग हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यहाँ पर हायर एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 13.6, 90,00,000 बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए जाते हैं बिहार में। जानते हैं आप, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मात्र 21% लोगों को प्रधानमंत्री आवास के स्वप्न को साकार होने का सपना जो सजोते थे उनको मिला है। 60% हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, विधानसभा में आप लोगों ने जवाब दिया है। यहां पर बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, प्रधानमंत्री जी के जो सिलेंडर है वो सबसे कम पहुंचे हैं। 10,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट, तो आप सीपीआईएमएल वाला विकास का मॉडल ला रहे हैं अंजना जी? ये तो जब साथ होते हैं तब तो आप सीपीआईएमएल वाला विकास का मॉडल ला रहे हैं। अब आपको आरजेडी के अलावा और वैसाखियों की जरूरत है, सीपीआईएमएल का विकास मॉडल है जिस पर अब आप लोग निर्भर करेंगे? आप गठबंधन का विकास, गठबंधन का विकास मॉडल है, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को शिक्षा और स्कूटी का इंसाफ, किसानों को पूरे फसलों के दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कमिटमेंट, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन का एक स्वर्णिम इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं। तेजस्वी वाला 10,00,000 की नौकरी बोलने में हिचक क्यों रहे हैं? 10,00,000 कांग्रेस वाला पढ़े जा रहे हैं, अपना कांग्रेस वाला पढ़े जा रहे हैं सर। तेजस्वी के 10,00,000 पर भरोसा है कि नहीं आप? हमने तो 10,00,000 का उल्लेख उसमें भी किया है, और निवेश जो मोदी जी ने कल बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 8% लोगों को काम मिलता है बिहार में, वो हमने प्रॉमिस किया है कि हम इतिहास रच देंगे निवेश का। तो 10,00,000 तो सरकारी दृष्टिकोण से बोला है, लेकिन कम से कम 25,00,000 रोजगारों का सृजन पहले 2 सालों में हम कर देंगे।